मदारीहाट विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपने अपने चुनाव क्षेत्र में प्रचार अभियान काफी तेज कर दिया गया है। यह बता दें कि इस दौरान मदारीहाट विधानसभा उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी राहुल लोहार ने गेरगेंडा चाय बगान इलाके में काम कर रही श्रमिकों के मेला के बीच जाकर श्रमिक महिलाओं और पुरुषों से मिलकर उन्हें भाजपा को जिताने का अपील किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के दुर्नीति और केंद्र सरकार के विकास मूलक योजनाओं के विषय में भी चाय श्रमिकों को जानकारी दी। तो देखिए आगे राहुल लोहार ने क्या कहा। देखते रहिए एनआई द्वास न्यूज और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहिए। तो वहाँ डॉक्टर भी नहीं, नर्स भी नहीं है, ना दवाई भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, सब फैसिलिटी तो बंद कर दिया। ऊपर से क्या हुआ, इस बार का जो बोनस को भी देखिए, वहाँ पे कलकत्ता में मीटिंग हुआ, वहाँ सब पार्टी गया, हम लोग का ट्रेड यूनियन भी गया BTW। लेकिन यहाँ पे समझना पड़ेगा, सरकार TMC का है कि नहीं, लेबर मिनिस्टर उन लोग का है। सरकार जब TMC का है, उन लोग का सबसे बड़ा दायित्व था सरकार का, और सरकार का जो TMC का जो ट्रेड यूनियन है ना, TCBSU, उन लोग का सबसे बड़ा दायित्व है, क्योंकि उन लोग सरकार में बैठा हुआ है। हम लोग विरोधी वाला है, हम लोग का BTW बार बार वहाँ पे बात उठाया कि हम लोग को 20% बोनस देना है, लेकिन TMC और उसका जो ट्रेड यूनियन है, ये मालिक से मिल के हम लोग का बोनस को देखिए 16% किया, और हम लोग का जो भी मेरिको कंपनी का जो भी बगान है उसमें 9% करके बोनस मिला है। ये बहुत ही खराब तरीका है, क्योंकि वो लोग जितना कम करेगा उन लोग का पार्टी फंड में पैसा वही जाएगा, उन लोग का पॉकेट में जाएगा। इस तरीके से एक चीज चल रहा है, और सरकार में भी उन लोग बैठा हुआ है, यहाँ पे भी उन लोग बैठेगा, तो हम लोग का जो भी प्रॉब्लम है, बगान का जो भी प्रॉब्लम है, उसको आवाज़ कौन उठाएगा? अगर उन लोग का आवाज़ उठाना होता तो ये 13-14 साल से जो हम लोग का यहाँ पे TMC का सरकार है, बगान का परिस्थिति ठीक करने के लिए उन लोग प्रयास करता कि नहीं, आप लोग बोलिए। मुख्यमंत्री अगर चाहती कि बोल देती कि एक बार कि जितना भी बगान का मालिक है सबको बोल देती कि एक बार नोटिस करके कि इस बार 20% बोनस देना है, कोई भी बगान का मालिक ना कर सकता था? आप ही लोग बोलिए तो, नहीं कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जब 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया बढ़ाने के लिए कोई मीटिंग नहीं करना पड़ता है, उन लोग एक नोटिस जारी कर देता है, दूसरे दिन से 2 रुपया 3 रुपया बढ़ जाता है हम लोग का। मिनिमम वेजेस को भी कर सकता है, लेकिन TMC कभी भी मिनिमम वेजेस करना नहीं चाहती है। और जो जमीन का पट्टा है, आज लोग आप लोग देखिए, जमीन का पट्टा में बहुत बगान में जमीन का पट्टा मिला है, वहाँ पे घर बनाने के लिए पैसा भी दे रहा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, ये जो जमीन का पट्टा दे रहा है, मान लीजिए आप दीदी का नाम में जमीन का पट्टा आया, अब वहाँ पे आप घर बनाए, वो घर आप भगवान ना करें जिस दिन आपका, मान लीजिए मेरा जिस दिन मैं मर जाऊंगा, उस दिन वो जमीन मेरा फैमिली का नाम में ट्रांसफर नहीं होगा, वो फिर से कंपनी का नाम में चला जाएगा, क्योंकि वो रोहिंग्या वाला पट्टा दिया जा रहा है। हम लोग का डिमांड है, जो भी जमीन का पट्टा दिया जा रहा है वो मालिकाना अधिकार हो, जब मैं नहीं रहूं तो वो जमीन मेरा लड़का लड़की या मेरा फैमिली बहुत खराब है, स्कूल बसेस नहीं है। तो सरकार यहाँ पे TMC की है, और TMC बगान को लेके कभी भी कुछ भी स्टेप नहीं ले रहा है जिससे बगान का सुधरे। आज देखिए 13-14 साल हो गया पश्चिम बंगाल में TMC का सरकार बना हुआ, लेकिन बगान का लेके कुछ भी उन लोग स्टेप नहीं ले रहा है। आप लोग देख सकते हैं, बगल हम लोग का स्टेट यहाँ पे आसाम का स्टेट है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, वहाँ आज 20% बोनस हुआ, लेकिन हम लोग का यहाँ पश्चिम बंगाल में चाय मजदूरों को 16% बोनस दिया, और ज़्यादातर ये मदारीहाट विधानसभा में ज़्यादातर बगान में आप लोग देख सकते हैं 9% बोनस हुआ है। इसका सबसे बड़ा दायित्व चीफ मिनिस्टर का था, यहाँ पे लेबर मिनिस्टर उन्हीं लोग का है। आज सरकार चुप बैठी हुई है क्योंकि मालिक के साथ इन लोग का साथ गांठ है। मालिक जो पैसा देता है ये पार्टी फंड में, और इसको ये लोग पार्टी में यूज़ करते हैं, और चाय बगान का मजदूरों को शोषण करके। देखिए चाय बगान में बहुत सारे समस्या है, सरकार चाहेगी तो ये सब समस्या का समाधान हो, लेकिन श्रमिकों में इनको लेके खौफ है। श्रमिक जानती है कि TMC सरकार कुछ नहीं कर रही है। आज फ्री में रेशन मोदी जी दे रहे हैं, आज उज्ज्वला योजना से आपका गैस का व्यवस्था मोदी जी कर दिया है, आज स्वच्छ भारत का टॉयलेट मोदी जी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी जी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, ये जो सड़क बनी हुई है ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, ये सड़क मोदी जी के द्वारा बनाया गया है। तो ममता बनर्जी का सरकार यहाँ पे क्या काम कर रही है? कुछ काम नहीं कर रही है। ये श्रमिकों में खौफ है। राहुल जी, आप अगर इसमें जो विधानसभा में आकर अगर आपको अगर अच्छा सफलता मिलती है तो इस टी गार्डन के लिए आप क्या सोचे? देखिए बगान में जो भी समस्या है, चाहे फ्रिंज बेनिफिट हो, मेडिकल हो, स्कूल हो, यहाँ पे पानी का व्यवस्था हो, ये सब हम लोग बगान का जो मालिक को देना चाहिए, इसको लेके हम लोग काम करेंगे।
सही से हम लोग का पीएफ जमा हो, ग्रेजुएटी सही से मिले, इसको लेकर हम लोग काम करेंगे। बगान में बहुत सारे काम है और मोदी जी का जो भी स्कीम है उसको घर घर तक पहुँचाने का हम लोग काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।